नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड लास्ट टाइम हम ट्यूटोरियल आई थिंक 3 हम लोग कर रहे थे, आज हमारा ट्यूटोरियल नंबर 4 हमें करना है, ठीक है। तो ये भी अगेन बेसिक लॉज पे है, ठीक है। तो इसको ज़रा सोल्व करते हैं। इसमें टोटल आपके 11 क्वेश्चन हैं। आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आप छोड़ दीजिएगा, बिकॉज 7 जो है ये गलती से डाल दिया गया है, और ये आपका अभी आप नहीं कर पाएंगे इस लेवल पे, ठीक है। बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप इस प्रॉब्लम को छोड़ सकते हो। तो मतलब इन टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन हैं, और इनका मैं प्रॉब्लम फिर से मैं बता दूं, मतलब मैक्सिमम टाइम आपको 40 मिनट्स आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है। इतने टाइम में आपको करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से मे बी एक दो क्वेश्चन में थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, तो मैक्सिमम 40 मिनट्स आप ले सकते हो। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा है पावर लॉस इन 4 ओम। 4 ओम में कितनी पावर लॉस होगी आपको ये बताना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे करंट चाहिए या उसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। अगर मैं नीचे 0 वोल्ट मान लूँ एक मिनट के लिए, सोचिए तो यहाँ की वोल्टेज क्या बन जाएगी, 4 वोल्ट। देखो ना यहाँ पे 0 से 4 वोल्ट, और यहाँ की वोल्टेज क्या बन जाएगी, 10 वोल्ट, सही है। फिर तो मैं करंट निकाल सकता हूँ इधर से इधर, बोलो नोड लगा दो, 10 माइनस 3 प्लस 10 डिवाइड बाई टोटल 6, ये करंट आ गया। ये कितना बना टोटल बताओ जरा, 17/6 एम्पियर, बोलिए ना, सही है। तो 17/6 का स्क्वायर कर दीजिए और इनटू क्या कर दो, आर, माने 4 ओम। तो बताओ कितना आया आंसर, 17/6 का स्क्वायर इनटू 4 करोगे तो मेरे पास आंसर है 32.11 वोल्ट, ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन था। चलिए तो क्वेश्चन 1 मेरा हो गया, क्वेश्चन 1 तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिएगा, क्वेश्चन 2 देखिए दोस्तों। तो इसमें पाथ मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे, बिकॉज इसमें पता नहीं चल रहा कि पैरेलल सीरीज कौन सा है। तो ए और बी तो आपको दिया हुआ है, मैं क्या मान लूँ इसको, सी, तो ये भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, सही है। और इसको अगर मैं डी मान लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, डी, सही है। तो चलिए अब ए से बनाना शुरू करते हैं, ए से देखते हैं कितने पाथ निकले। ए से बताओ, एक तो 4 ओम है, ठीक है, कहाँ पे आ गए हम, सी पे। अब सी से डी पे देखते हैं, सी से डी पे, एक तो 2 ओम है भाई, बताइए 2 ओम, ये बनाओ, ये हो गया सी से डी। एक और सी से डी है, 2 ओम, ठीक है जी, सी से डी, ये भी हो गया। नेक्स्ट एक और 2 ओम है सी से डी, बहुत बढ़िया, ये लीजिए 2 ओम हो गया सी से डी। एक और सी से डी है, कितना बताओ, 4 ओम, सी से डी मेरा 4 ओम हो गया, बहुत बढ़िया भाई, ये लीजिए एक और सी से डी है 4 ओम, तो क्यों ना इसको 2 कर दूं मैं, ये भी, ये 4 और ये 4 पैरेलल ही तो है, 2 ओम कर देता हूँ। नेक्स्ट बताइए, अच्छा इसको फिर मैं ई बोलना पड़ेगा ना, फिर मुझे ये अलग रह गया था ना ई, हाँ जी। तो सी से डी सारे हो गए क्या, पहले ये बताओ, ये तो सारे हो गए मेरे ख्याल से, है ना। अब आइए सी से ई, सी से ई, ई पे आते हैं, तो सी से ई कितना है बताओ, 8 ओम, बोलिए ना, सी से ई एक 8 ओम हो गया, ये हो गया। और बोलिए सी से ई क्या है बताओ, एक 2 ओम है, ठीक है, बहुत अच्छा, और एक मेरे ख्याल से सी से ई 2 ओम हो गया, हाँ जी, ये दोनों हो गए। एक डी से ई है, डी से ई कितना है बताओ जरा, 2 ओम, ये 2 ओम है। और फिर डी से बी क्या है बताओ, डी से बी कितना है बताओ जरा, डी से बी 6 ओम, बोलिए ना, डी से बी 6 ओम, सारे आ गए। अब बताइए, 2, 2, 2, 4, 2 है, तो इसका मतलब पैरेलल लेंगे तो क्या बनेगा, 2/4, बोलिए भाई, तो इसका मतलब क्या बनाइए, 1/2 ओम, करेक्ट है। अब बताओ 8 और 2 पैरेलल में है, तो 8 × 2/10, तो 1.6 हो गया इसका, ऊपर वाले का, बोलिए। और 1.6 जो है ये, चलिए 1.6 हो गया, 1.6 जो है ये क्या है बताओ जरा, ये 2 के साथ सीरीज में है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3.6, ठीक है ना, 3.6, तो ये बन गया 3.6। अब बताइए 3.6 और 1/2 ये क्या है बताओ, पैरेलल में, तो 3.6 × 0.5/4.1, ये तो इनका पैरेलल हो गया, प्लस 6 कर दीजिए और प्लस 4 और कर दीजिए, तो आप बताइए क्या बना इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मेरे पास इक्विवेलेंट जो आना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैंने आंसर निकाला है, 10.44, चेक कीजिए, 10.44 ये बनेगा, सही है भाई। तो आसान कहानी थी ये, तो बड़ी सिंपल था, ठीक है, 10.44, बाकी आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखेगा दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट है ये कुछ इस तरह का, बल्ब ए दे रखा है, बल्ब बी, बल्ब सी, ये ए बल्ब है, ए इधर, बी इधर, बी इधर, और ये सी, ठीक है ना। तो बल्ब ए का रेजिस्टेंस बताइए क्या आएगा, आर ए, बताएंगे,
v square by power. तो 200 गुना 200 divided by power 100. तो कट गया, इसका मतलब 400. ये आ गया 400 ओम. ठीक है, नीचे ऐसे आप बताइए b का क्या बनेगा और ऐसे c का बताइए क्या बना. rb, rb देखिए क्या बना, 100 गुना 100 डिवाइड बाय 150. तो ये कट गया है जी 66.67 ओम. एंड rc बताइए क्या बना, 50 गुना 50 डिवाइड बाय 100, 25. ये बन गया 25 ओम. ठीक है भाई, बहुत अच्छा. तो हमारे पास इस तरह का रेजिस्टेंस आ गया. अब जरा देखिए, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों. ठीक है, ये कितना है, ए ए कितना है बताओ जरा, 400 और इधर भी 400. बी बताइए 66.67 और यहाँ पे 66.67. बहुत अच्छा. और ये रेजिस्टेंस बताइए कितना है, ये रेजिस्टेंस कितना है, सी 25. और आपको यहाँ पे लगा रखा है आपका कितना है बताओ, 200 वोल्ट. ठीक है जी, अब मुझे बताना है कि कौन सा ब्राइट जलेगा. तो उसके लिए मुझे करंट चाहिए इन सब में, ठीक है ना, इन सब में करंट चाहिए. तो एक तरफ मैं 0 वोल्ट मान लूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी वोल्ट आ जाएगी बताओ, 200 वोल्ट. एक को अगर मैं VA मान लूं तो दूसरे को क्या मान सकता हूँ, VB. तो VA एंड VB निकाल लेते हैं. तो मैं बता देता हूँ जो मैंने निकाला हुआ है, VA एंड VB मैं बता देता हूँ आपको. मेरे पास जो VA आया है, मतलब जो नीचे वाली वोल्टेज है, वो है 112, नोडल लगा दीजिए बस, 112.82 वोल्ट. और VB जो आया है ऊपर, डायरेक्ट नोडल इक्वेशन लिखना भाई, ये आया 87.18 वोल्ट. अब सुनिए, यहां से करंट आएगा कुछ, ठीक है. और करंट जो आएगा वो आएगा मेरे हिसाब से 0.2825 एम्पियर. ये इधर आएगा, मतलब 200 माइनस 87.18 डिवाइड बाय 400 कर दीजिए, 0.2825 आएगा, 28205 आएगा. हाँ जी, 205. ठीक है. अच्छा, सिमिलरली यहां से जो करंट आएगा वो भी इतना ही आएगा मेरे को लगता है. ठीक है, 0.28205 यहां से भी वही एम्पियर आएगा. ठीक है भाई. अच्छा, यहां पे कितना करंट आ रहा है सुनिए, यहां पे करंट आ रहा है 1.3077 और यहां से भी 1.3077 ये करंट आ रहा है. और बीच वाली ब्रांच में जो करंट आ रहा है वो है 1.026 इतना एम्पियर करंट आ रहा है. तो अब बताओ इसमें पावर कितनी आएगी, इसमें पावर कितनी आएगी. तो ए बल्ब ए में कितनी पावर आएगी, वो आएगी 0.28 निकालो भाई 205 का स्क्वायर इंटू आर 400. बताओ कितने वोट आया, इससे कितना वोट निकला बताएंगे जरा. बताओ भाई ए में कितना आया, ये ए बल्ब था ना. और ऐसे बी में बताइए, बी में क्या होगा, 1.3077 का स्क्वायर इंटू आर 66.67 31.82. और ऐसे बी में बताइए, फिर सी में बताइए इंटू 25. बी में बोलिए भी कितना आया, बी में कितना आया, 114.01. और सी में कितना आया. तो इसका मतलब B1 और B2 ये दोनों में मैक्सिमम आएगी, क्योंकि इससे कम ही आएगी कुछ ना कुछ. ठीक है, 26.31. तो सबसे ज्यादा ब्राइट कौन जलेगा बताओ, B1 एंड B2 दोनों बराबर ही जलेंगे. तो हालांकि ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा उसमें, ए ऑप्शन में A1 दे रखा है, बी में A2 दे रखा है, सी में B1 दे रखा है, डी में B2. तो इसका मतलब B1 B2 दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे. ठीक है ना, दोनों बराबर जलेंगे. चलिए भाई, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 4 पे. ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह का है. ये डायग्राम आपको दिया हुआ, आपसे I1 पूछा है. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगर मैं स्टार को इसको किस में कन्वर्ट कर दूं बताइए, इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देता हूं. ठीक है, तो कितना बन जाएगा बताओ, 18 18 18 बन जाएगा. नहीं, 6 6 6 को 3 से गुना कर दो ना, 18 18 18 हो जाएगा. चलिए बहुत अच्छा, 18 ओम, ये भी 18 ओम और ये भी 18 ओम. सही है दोस्तों. अब जरा देखिए, अब मैं मुझे यहां की वोल्टेज बतानी है क्या होगी. ठीक है, और मुझे एक बात बताइए, यहां की वोल्टेज अगर मैं 0 मान लूं तो ये क्या होगी, ये तो जुड़ जाएगी तो 6 I1 बन जाएगी. नहीं,
आई वन करंट है ना, तो ये बन जाएगा सिक्स आई वन। और यहां की वोल्टेज भी क्या बनेगी बताओ जरा, यहां की भी सिक्स आई वन बन जाएगी। क्या कहते हैं, जीरो यहां पे है तो सिक्स आई वन ऊपर चढ़ोगे तो सिक्स आई वन इधर हो जाएगी, और अठारह के इधर भी सिक्स आई वन है, अठारह के उधर भी सिक्स आई वन है, तो अठारह में तो करंट जीरो आएगा। इसको तो मैं हटा ही देता हूं, नहीं बोले भाई इसको तो मैं हटा ही देता हूं, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। आपको आई वन करंट बताना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बोले ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए जरा, यहां पे सिक्स आई वन है, यहां पे सिक्स आई वन है, ये करंट कितना आएगा जरा बता सकते हो? इधर से इधर निकालो, लोड लगा लो, सिक्स आई वन प्लस टेन, सिक्स आई वन प्लस टेन माइनस सिक्स आई वन डिवाइड बाय क्या कर दो फोर, ये कट गया सिक्स आई वन सिक्स आई वन, तो कितना करंट आया बताओ? 2.5 एम्पीयर, ये करंट आया 2.5 एम्पीयर, सही है, ये आ गया मेरे पास 2.5 एम्पीयर। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा अब मुझे एक बात और बताओ जरा, अगर यहाँ पे 6 I1 है, इधर से करंट I1 आ रहा है, तो इधर से कितना करंट आएगा? 6 I1 minus 0 divided by 18, I1 by 3 एम्पीयर, बोले ना, बोले ना, I1 by 3 एम्पीयर। अब मेरी बात सुनिए, ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में इधर से करंट कितना एंटर हो रहा है? I1 by 3, I1 by 3 तो इधर से और I1 इधर से, तो कितना हुआ टोटल? 4 I1 by 3 नहीं हो गया? बताओ ना, ये टोटल करंट आगे देखो ना कितना आ रहा है, 4 I1 by 3, तो इधर से जो करंट आ रहा है वो भी कितना होना चाहिए बताओ? इसको छोड़ो, इस नेटवर्क को छोड़ो, इस नेटवर्क को छोड़ो ना, यहां पे देखो, ये I1 by 3, ये I1, टोटल कितना आ रहा है करंट बताओ? दोनों जोड़ दो, I1 by 3 और I1 को, कितना बना? 4 I1 by 3, पीछे से करंट कितना आ रहा है बताओ? 2.5, तो इसका मतलब I1 कितना आ गया बताओ जरा? 2.5 into 3 divided by 4, ठीक है भाई, तो ये कट गया मेरे ख्याल से 0 है जी, कितना आया? 1.875। समझ आया भाई? आसान क्वेश्चन नहीं था, तो आप देखिए दोस्तों, ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये वाला, ठीक है, तो आंसर मेरे पास आ रखा है 1.875 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं वो जरा देखते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट मेश एनालिसिस इज नॉट एप्लीकेबल, तो जो प्लेनर सर्किट होता है उस पर मेश एनालिसिस लगा सकते हो आप, नॉन प्लेनर पे नहीं लगा सकते हो, तो नॉन प्लेनर तो बस यही है, ये भी प्लेनर है, ये तो प्लेनर है ही, आपको मैंने बताया था, ये बीच वाले को अंदर लगा दो, ठीक है, और ये भी प्लेनर है, ये पॉइंट को बाहर दिखा दो इधर, तो ये ब्रांच जो है इधर दिखाने के बजाय इधर से दिखा दो, नहीं ये ब्रांच इधर दिखाने के बजाय किधर से दिखा दो? मे बी इधर से दिखा दो, क्या कहते हो? और ये ब्रांच इधर से दिखाने के बजाय किधर से दिखा दो बताओ? घुमा के दिखा दो यार, नहीं बोलिए, और ये ब्रांच इधर से दिखाने के बजाय क्या कर दो? इधर से दिखा दो, क्या दिक्कत है? सारे कनेक्शन हो तो गए और कोई ओवरलैपिंग भी नहीं है किसी के ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी कैसा है बताओ? प्लेनर, ये भी प्लेनर, ये नॉन प्लेनर है, तो इसका मतलब ओनली दिस पार्ट इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है भाई, बोलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, जरा देखिए, ये एलिमेंट है और इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपको दे रखी है, 2i² प्लस 3i, आपसे पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? तो देखिए दोस्तों, मैं क्या कर सकता हूं, यहां से i करंट आ रहा है मान लीजिए, तो यहां पे कितना करंट आएगा? 2 माइनस i, सही है ना, बोले ना, 2 तो इधर से आ रहा है, उसमें i आगे जा रहा है, तो इसमें कितना जाएगा बताओ? 2 माइनस i, और मैं KVL लगा दूं इस पे, अगर मैं KVL लगाऊंगा तो बताओ ना कैसा आएगा? यह आएगा 4 इंटू 2 माइनस i, ये तो इसके अक्रॉस आ गई वोल्टेज, प्लस 10, ये 10 आ गया, माइनस 8i माइनस v इक्वल टू 0, सही बात है, इस लूप में KVL लगा दी भाई मैंने, और v की जगह पे क्या रख दो बताओ जरा? 4 इंटू 2 माइनस i, बोलिए भाई क्या आया? प्लस 10 माइनस 8i माइनस v की जगह पे क्या कर दो? 2i² माइनस 3i इक्वल टू 0, बोलिए भाई, तो क्या बना ये टोटल? ये बना 8 माइनस 4i प्लस 10 माइनस 8i माइनस 2i² माइनस 3i इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या बना बताओ टोटली? ये बना माइनस 2i², नेक्स्ट बताइए माइनस 15i प्लस 18 इक्वल टू 0, बोलिए ना, सही है। i की वैल्यू बताइए अब क्या आई यहाँ से, i की दो वैल्यू आएंगे, जरा बताएंगे कौन कौन सी वैल्यू आएंगे i की? एक है 1.052, तो गलत है भाई, नहीं ये नहीं आनी चाहिए, माइनस 2i² माइनस 3i, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? नीचे 2 और है भाई सर्किट में, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 2 ओम भी है भाई, इसको करेक्ट करो थोड़ा सा, नीचे 2 ओम भी है, तो यहाँ पे एक और आएगा भाई,
नीचे 2 ओम भी है ना, तो माइनस 2i और आएगा भी, माइनस 2i इक्वल टू 0, माइनस 2i और है भी, तो माइनस 2i करोगे तो 17i नहीं हो जाएगा, माइनस 17i नहीं हो जाएगा, एक बार बताओ ही क्या बना, 12 15 17, हाँ जी माइनस 17i हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, i की वैल्यू कितनी है, एक तो माइनस 9.45, एक तो ये आया और एक क्या आया बताओ जरा, इतना नहीं आ रहा, एक बार चेक करो, 0.9522 यही आ रहा है ना, ये दो वैल्यू आएंगी। अब मुझे बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी, इसके मोड की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो इस करंट के लिए आएगी मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, इस करंट के कोरस्पॉन्डिंग आएगी मैक्सिमम वैल्यू, कितनी आएगी बताओ जरा, 2 × −9.45 का स्क्वायर प्लस 3 × −9.45, और मोड ले लीजिए इसका, तो बताओ क्या बनेगी, इस करंट के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो माइनस वाला है, तो अब बताओ क्या आंसर आया, बताओ मेरे पास जो आंसर है वो मैं बताता हूँ, 150 point, तो इसका आंसर आएगा 150 point, चेक करके देखो इतना ही है क्या, 255, ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड वी आएगी, वी के मोड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, हालांकि ये नेगेटिव आएगा बट मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, इतना ही आ रहा है क्या बताओ भाई, इतना ही आ रहा होगा, दूसरे करंट से इतनी लार्ज वैल्यू नहीं आएगी, चेक करके देख लो, तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने आपको बताया था इसको ड्रॉप करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को ड्रॉप करना है, नेक्स्ट जरा देखिए, क्वेश्चन 7 नहीं करना है, क्वेश्चन 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 8 में ये क्लासरूम क्वेश्चन है, जब मैं सुपर पोजिशन पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था, देखिएगा क्वेश्चन 8 कुछ इस तरह का है, 4 ओम एंड 10 वोल्ट, ठीक है, कुछ इस तरह का, और आपको VT की वैल्यू आपको दे रखी है, VT मेरा रेक्टिफाइड सिग्नल है और ये वैल्यू है 20 वोल्ट, ठीक है जी, और टाइम आपको दे रखा है 0, 1, 2, 3, क्या कह रहा है ये सुनिए, द पावर एब्जॉर्ब बाई 4 ओम एंड 10 वोल्ट सोर्सेस, 4 ओम और जो 10 वोल्ट का मेरा सोर्स है वो कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो 10 वोल्ट तो DC सोर्स है, केवल DC करंट से ही पावर लेगा, इसमें DC कॉम्पोनेंट बताओ क्या आएगा, 2 Vm/π, नहीं ये डीसी कंपोनेंट आएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2 Vm/π की वैल्यू बता सकते हो क्या, 2 Vm/π कितना डेसिमल में आया, तो आप बताओ डीसी करंट कितना आएगा, डीसी करंट आएगा 40 π − 10/4, ये डीसी करंट आएगा, समझा, इधर भी डीसी ले लो इधर भी डीसी ले लो और 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये डीसी करंट आ गया, और डीसी करंट इंटू क्या कर दो, वोल्टेज, डीसी करंट इंटू वोल्टेज कर दो, सही है, इतनी पावर ये एब्जॉर्ब करेगा सोर्स, ठीक है, तो कितना आया ये पावर जरा देखिए, ये है 6.83 वोल्ट, बिल्कुल करेक्ट है, 6.83 वोल्ट, ये तो मेरा डीसी वोल्टेज सोर्स जो है वो पावर एब्जॉर्ब करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि 4 वोल्ट क्या पावर एब्जॉर्ब करेगा, 4 वोल्ट की अक्रॉस वोल्टेज बताइए क्या बनेगी, ऊपर तो नीचे नीचे 0 मान लो, इधर तो है 10 वोल्ट डीसी और ऊपर क्या है वीटी, और वीटी का ग्राफ आपको दे रखा है, तो इसका मतलब आर के अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी बताओ, वीटी माइनस 10, इसका मतलब आप एक काम करो इसको आप 10 वोल्ट डाउन कर दो, तो 10 वोल्ट डाउन करोगे तो इस तरह का नहीं बन जाएगा ग्राफ, बोलिए, इसका मतलब ये माइनस 10 और ये 10, ये बना VRT और ये है 1, ये है 2, मुझे क्या चाहिए इसकी RMS वैल्यू, तो पीरियड क्या है इसका 1/1, 0 से 1 तक, फंक्शन का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर क्या है बताओ जरा, क्या इक्वेशन है इस फंक्शन की, माइनस 10 प्लस 20 sin π t, 0 से 1 तक तो यही फंक्शन बनेगा, 20 sin π t ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, लेकिन 0 से 1 तक ही देखो बस, ये तो 20 आई थी, इसमें 10 माइनस कर दो, ऐसे ही तो बनेगा, और इसका स्क्वायर कर दो और dt कर दो, ठीक है भाई, और रूट ले लो, ये क्या बन जाएगा VRMS, अब VRMS का स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई आर कर दो, आर कितना है 4, ये पावर आएगी, ठीक है भाई, तो ये आर के थ्रू पावर आएगी। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मैंने जो कैलकुलेट किया है वो है 181.41, बाकी आप चेक कर लेना भाई, 181.41 वोट, मे भी गलत हो सकता है बट मैंने मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक ही किया है, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना इतना पावर लॉस आएगी 4 ओम में, ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, इन सुपरपोजिशन थ्योरम हमने करवाया था कि भाई किस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9, मैं रब कर दूँ इसको, इसको रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 9 देखिएगा,
क्वेश्चन नाइन क्या कह रहा है जरा देखो. क्वेश्चन नाइन अच्छा क्वेश्चन है. 1 ohm 1 volt, 2 ohm 1 volt, 2 ohm 1 volt, अगला है मेरे पास 4 ohm 1 volt, 8 ohm 1 volt, और अप टू कहां कहां तक गए बताओ, अप टू इन्फिनिटी, और लास्ट में लोड लगा हुआ है इन्फिनिटी पे. एट इन्फिनिटी लोड ऑफ 4 ohm इज अप्लाइड. ठीक है, आपको पता है द लोड इज कनेक्टेड एट इन्फिनिटी, अप्रोक्सीमेट करंट थ्रू 4 ohm, 4 ohm के थ्रू अप्रोक्सीमेट कितना करंट आएगा. तो क्यों ना मैं इसका मिलमैन इक्विवेलेंट बना लूं पीछे वाले का. ठीक है जी, मिलमैन इक्विवेलेंट क्यों ना बना लूं. तो बताइए कैसे बनाएंगे मिलमैन इक्विवेलेंट. वोल्टेज सोर्स तो क्या रहेगा, 1 volt ही रहेगा, सब बराबर है. और रेजिस्टेंस इन सब का क्या ले लो, पैरेलल ले लो. तो पैरेलल क्या आएगा, 1/1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, ये होता है पैरेलल लेने का तरीका, प्लस अप टू इन्फिनिटी. तो बताओ ये तो इन जीपी बन गई. तो 1/a / क्या बनेगा, a/(1 - r), एक 1 है / 1 - r, तो क्या बनेगा ये बताओ जरा, 1/2 बन जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा ना, तो 1/2, इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, 1/2, और आगे क्या लगा हुआ है, आगे लगा हुआ है 4 ohm. ठीक है भाई, तो आप बताइए करंट कितना आया, करंट आया 1/4.5 एम्पियर. तो आप देख लो क्या वैल्यू आई इसकी, 1/4.5 = 0.22 एम्पियर मेरे पास आंसर आ रखा है. बताओ ना इतना ही है क्या, 0.22 एम्पियर. बोलिए भाई डिवाइड करके देखो, बोलो कितना आया, डिवाइड करो ना. है जी यही आ रहा है. चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन 10 मैं रब कर दूं इसको. देखिए भाई क्वेश्चन 10 देखते हैं. क्वेश्चन 10 में करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन 10 में आप देखिए सारे के सारे कौन से सोर्स लगे हुए हैं बताओ, डिपेंडेंट सोर्स. क्वेश्चन 10 को अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं डायग्राम बना देता हूं. क्वेश्चन 10 कुछ इस तरह का है, ये है 2 ohm, मतलब डायग्राम बनाना भी एक जंग है. ठीक है, ये देखिए ये है 2 ohm, दिस वोल्टेज इज V1, डिपेंडेंट सोर्स 6 I2 एंड दिस करंट इज 4 ohm, दिस इज अगेन डिपेंडेंट सोर्स. मैंने आपको बताया था जिस सर्किट में सारे के सारे डिपेंडेंट सोर्स हो तो उस सर्किट में क्या होगा बताइए, उस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, तो आप देख सकते हो इस, ये मेरा सारे के सारे डिपेंडेंट सोर्सेज लगे हुए हैं. ये मेश करंट है I1, ये मेश करंट है I2, और ये मेश करंट है I3, और ये वोल्टेज V1 दे रखा है उस पर डिपेंड कर रहे हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे पूछा है I1 + I2 + I3, तो क्या आएगा बताओ जरा आंसर, आंसर विल बी 0. क्यों 0 बताइए, बिकॉज सारे के सारे डिपेंडेंट सोर्सेज हैं. तो डिपेंडेंट सोर्स हैं तो कोई करंट नहीं आएगा, समझ आया, करंट विल बी 0, तो टोटल करंट क्या आएगा, 0. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, देखिए तो इस ट्यूटोरियल का लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सर्किट दे रखा है, दिस इज 10 वोल्ट. ठीक है, और यहां पे आपको दे रखा है 2 farad, नीचे आ जाइए आप, आपका ये बनेगा 3 farad. ठीक है जी, फिर 2 farad, यहां पे आपका 2 farad है. ठीक है जी, ये है, ये सॉर्टेड है यहाँ पे. ये बताइए अगेन पाथ मीटर नहीं लगेगा यहाँ पे, 1 farad, और ये है 2 farad, तो हो गया 2 farad, तो आई थिंक पैरेलल में 2 farad हो रहे हैं. नहीं देखिए जरा, यही सर्किट है ना, 2 farad, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यही है. ठीक, आपसे पूछा था एनर्जी स्टोर्ड इन 2 farad इज, जो ये 2 farad है मेरा सी, इसमें एनर्जी स्टोर पूछिए, एनर्जी स्टोर इन 2 farad इज. तो जरा देखिए क्या कैसे करेंगे हम लोग. ठीक है, तो देखो ये है मेरा ए पॉइंट, ये है मेरा बी पॉइंट. ठीक है, एक है ए एक है बी, और ये पॉइंट मेरा क्या बन गया, अगर ये ए है तो ये भी ए रहेगा, ये भी ए बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, ए. ठीक है भाई, बोले को दिक्कत हूँ, इसको मैं बी बोल दूँ पॉइंट को, नहीं इसको सी बोल देता हूँ. ठीक है, तो अब बताइए ए से ए है ये, तो ये तो हट ही जाएगा. ठीक है,
अब बताइए, चलिए ए ए ए से और बी के बीच में चलते हैं, बी से शुरू करते हैं, पांच मीटर लगाते हैं, बी से शुरू करते हैं, तो बी से चले क्या आएगा पहले बताओ, पहले आएगा 2 फेरेट, सही है, कहाँ पे आ गए आप, ए, और ए से और बी के बीच में क्या है बताओ जरा, हैं जी बताओ, 10 वोल्ट, ये हो गया। अब आइए ए से सी पे, तो ए से सी पे कितना है बताओ जरा, 2 फेरेट, नेक्स्ट बोलिए, ए से सी पे एक और भी है, ए से सी पे क्या है बताओ, ये रहा ना 1 फेरेड, और ये 2 फेरेड और ये 2 फेरेड दोनों ये भी हैं, तो ये 2 फेरेड और है और एक और 2 फेरेड है, नहीं भाई बोलिए ये 2 फेरेड। मुझे एक बात है, जो करंट आएगा वो तो इसी लूप में आएगा, इधर तो कोई करंट जाना ही नहीं है, तो इसका मतलब इनमें कोई वोल्टेज आएगी क्या, नहीं जी, कोई चार्ज ही नहीं जाएगा इसमें, क्यों जाएगा चार्ज, चार्ज तो केवल इसी लूप में जाएगा ना, तो इसका मतलब जो लास्ट वाला जो सी था मेरा उसमें चार्ज कोई आया क्या, नहीं, चार्ज नहीं आया तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी, तो जब कोई वोल्टेज ही नहीं है इसके अक्रॉस तो हाफ सी वी स्क्वायर क्या बनेगा, हाफ सी वी स्क्वायर 0 जूल, समझा, इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं आएगी, आंसर इज 0 जूल, बिकॉज आप देखो ना, अगर इनको रजिस्टर की फॉर्म में लिख लेते, एक मिनट के लिए सोचिए, तो करंट तो केवल इसी फॉर्म में इसी लूप में चलता, इधर तो कोई करंट ही नहीं आता, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज क्या होती बताओ, इसके अक्रॉस 0 वोल्ट, तो वही वोल्टेज यहाँ पे भी आएगी 0 वोल्ट, तो हाफ सी वी स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 जूल, समझ आया भाई। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था और ये था क्वेश्चन नंबर 11, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ आया कि कैसे हमें करना है, ठीक है। आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे मेरा खत्म हो रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा जल्दी खत्म हो गया क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बढ़िया प्रॉब्लम एक दो ही थी, ज़्यादा बढ़िया प्रॉब्लम थी नहीं, ठीक है, तो मतलब आसान प्रॉब्लम थी थोड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा था, एंड क्वेश्चन नंबर आप देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत बढ़िया बढ़िया थे, आप इनको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप इनको लगाते रहें, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।